दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। वेलकम टू मूक एंड परमाणु, और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एंड व्हाट आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इज अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, आइदर स्फेरिकल और रेडियल और एनी अदर, इन रिलेशन टू विच मेजरमेंट ऑफ साइज, पोजिशन और मोशन कैन बी डिफाइंड और मेजर्ड। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है, या वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो सकता है, वो स्फेरिकल हो, रेडिकल हो, कैसा भी हो, जिसके रिलेशन में हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजिशन, वेलोसिटी या साइज मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, या फिर या पता लगा सकते हो, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट ज्योमेट्रिकल सिस्टम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर द रेफरेंस सिस्टम्स विच आर यूज टू डिफाइन साइज, पोजिशन एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, ये सिर्फ एक रेफरेंस सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से या फिर जिसके रिलेशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज, पोजीशन एंड शेप निकाल सकते हैं। जिस तरह अगर हम बताना चाहें अपने घर की पोजीशन, तो वो हम किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं, जैसे कि एड्रेस हम लिखते हैं, बोलते हैं कि DTU यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वो है रोहिणी के सेक्टर 18 के पास। तो वो जो रोहिणी 18 है, सेक्टर 18 है, वो रेफरेंस पॉइंट होगा विद रिस्पेक्ट टू DTU की पोजीशन रोहिणी सेक्टर 18 से पास में है, तो वो एक तरह से रेफरेंस हमने दिया है 18 का DTU के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम एग्जांपल्स दैट क्लैरिफाई द रेफरेंस या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ए चेयर इज एट रेस्ट इन ए रूम व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अनदर चेयर बिसाइड इट। अगर आप एक चेयर पर बैठे हो, पास में एक दूसरी चेयर रखी है साथ में ही आपके, तो वो जो साथ में रखी हुई चेयर है आपके अकॉर्डिंग रेस्ट में है, जो फर्स्ट चेयर है वो आपके अकॉर्डिंग रेस्ट में है। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम डिनोट करना चाहें, तो अर्थ अगर मोशन में है, अगर क्या वो तो होती ही है मोशन में, तो उस वजह से वो रेस्ट में ना होकर किसी ना किसी मोशन में होगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम ले सकते हैं वो है आई एम वॉकिंग ऑन रोड, एक कार पास्ड बाय मी, इन दिस केस कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू मी, द मैन सिटिंग इन कार इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कार, बट द मैन सिटिंग इन कार विद रिस्पेक्ट टू मी इज इन मोशन। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि वो जो कार मेरे सामने से गुजरी है, कार मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू मी, वो व्यक्ति भी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू मी, बट द मैन विद रिस्पेक्ट टू कार इज नॉट इन मोशन। तो इस तरह एक ऑब्जेक्ट को हम मोर देन 2, 3, 4, एक से ज़्यादा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में उसकी जो मोशन की वैल्यू है, पोजीशन है, वो सेम हो, वो हमेशा, या वो अलग भी हो सकती है, वो सेम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या लिए गए हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए रेफरेंस सिस्टम टू डिफाइन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ए बॉडी विद जीरो नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन और देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन एंड ऑब्वियस सच बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग, सच बॉडी मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस रेफरेंस सिस्टम को बोला जाता है जिस रेफरेंस सिस्टम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट पर है, या फिर उसके ऊपर जीरो नेट फोर्स है, या फिर वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है नो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन नहीं है तो वो लगभग रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो बात है वो टोटल कुल मिला के ऐसी है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे करती हो और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो। F=0 होना चाहिए नेट, तभी उस ऑब्जेक्ट को या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट डिस्क्राइब टाइम एंड स्पेस होमोजीनियसली एंड आइसोट्रोपिकली।
होमोजीनियसली का मतलब होता है यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्पेस में, डिस्टेंस पोजिशन वेलोसिटी की यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एंड आइसोट्रोपिकली का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम वैल्यू किसी भी चीज़ की जो हम मेज़र करना चाह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए टाइम इंडिपेंडेंट वे में। तो टाइम पर कुछ भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, वेलोसिटी क्योंकि टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर इन ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट रेक्टिलिनियर मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन में या फिर रेस्ट की सिचुएशन में ही रहना पसंद करती है। तो वही है, जब एफ़ जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो वो इनर्शियल फ्रेम है। अगर वो इनर्शियल फ्रेम है तो वो हमेशा सीधी लाइन में एक रेक्टिलिनियर मोशन दिखाते हुए यूनिफॉर्मिटी बनाएगा। तो ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस आर इन ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट रेक्टिलिनियर मोशन। मेजरमेंट्स इन वन इनर्शियल फ्रेम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर बाय अ सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूटन्स फिजिक्स एंड लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेशल रिलेटिविटी। तो जो मेजरमेंट्स हम किसी भी इनर्शियल फ्रेम में लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हमें दूसरे इनर्शियल फ्रेम में वो वैल्यूज़ कन्वर्ट करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, तो वो सिंपली की जा सकती हैं बाय ए मेथड नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वो होगी न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर। अगर हम स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो वही ट्रांसफॉर्मेशंस एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की तरफ, इनर्शियल फ्रेम्स की तरफ, तो वो होगी लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी टाइम और स्पेस अलग तरीके से काम करते हैं। तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, गैलीलियन रेफरेंस फ्रेम और इनर्शियल स्पेस आर द सम अदर नेम्स ऑफ रेफरेंस सिस्टम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ओबेज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। तो अब हम बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन विच ऑब्जेक्ट हैव एक्शनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। तो कंडीशन चेंज हो जाती है, वहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं थी, फोर्स नहीं था, यहाँ पर फोर्स भी होगा और उस फोर्स की वजह से एक नेट एक्सीलरेशन भी होगी। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैज़ फिजिक्स विद वेरी डिपेंडिंग अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम एंड नॉर्मल फोर्सेज आर सप्लीमेंटेड बाई फिक्टिशियस फोर्सेज। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर जो फिजिक्स है वो कुछ इस तरह चेंज होती है कि ऑब्जेक्ट्स और फ्रेम्स वो एक्सीलरेशन में होंगे विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम, और वहाँ पर नॉर्मल फोर्सेस के साथ साथ एक फिक्टिशियस फोर्स भी होगा जो कि एक एफ एक्सटर्नल का काम करेगा, वहाँ पर एक फिक्टिशियस टाइप यानी कि सूडो फोर्स टाइप होगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि हम कुछ ऊंचाई से एक बॉल गिराते हैं अर्थ की तरफ, तो वो बॉल सीधे नीचे ना गिर के थोड़ा सा कर्व पाथ लेती है, थोड़ा सा बेंट हो जाती है, स्ट्रेट डाउन नहीं आती नीचे। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जब अर्थ रोटेट हो रही है तो उस कंडीशन में, अर्थ रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो उस कंडीशन में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और उस फोर्स की वजह से वो जो सीधी गिरने वाली ऑब्जेक्ट है वो एक तरफ घूम जाती है, साउथ की तरफ। तो उस वजह से यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो नॉन इनर्शियल हो जाते हैं, बॉल हमेशा एक्सीलरेशन में रहेगी जब ऊपर से नीचे आएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, एक्सटर्नल फोर्स है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से है, ऑब्जर्वर अर्थ पर स्टेशनरी है लेकिन अर्थ और ऑब्जर्वर दोनों रिवॉल्व और रोटेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सन और अकॉर्डिंग टू अर्थ। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखता है एक्सीलरेशन वाला, तो उस सब की वजह से क्या होता है, वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सीलरेशन रखता है, जैसे कि अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देख रहे हैं हम उसको, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो बोली जाती है कि उस ऑब्जेक्ट का रिलेशन है किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो यहाँ पर एक फोर्स जो है नेट एक्शनल फोर्स जो है कोरियोलिस फोर्स, वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देता है। सेम एग्जांपल हम दे सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम सूडो फोर्स मानते हैं, तो वो फोर्स भी सूडो फोर्स होता है जो कि जनरेट करता है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि वहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एसेलेरेशन में है।